नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन हमको करना है। विश्व भूगोल हम कर चुके हैं और भूगोल में भारत के भूगोल को अब हमको करना है। इसमें भी हम 500 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और 500 से नहीं, लगभग 1000 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन समस्त प्रश्नों को जब पूरे ये हो जाएंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है इनको हम 100-100 करके डिस्कस करेंगे। पहले 100 सामान्य परिचय का ले लेंगे, ऐसे ही आगे के चैप्टर्स जो होंगे। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग अच्छा कलेक्शन किया गया है। कोई चैप्टर आप इसमें देखेंगे तो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं सामान्य परिचय का। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 1 मिनट, मैं कलर थोड़ा सा इसमें सेलेक्ट कर लूँ। तो ये स्थान है सातवां, सातवें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है। सबसे बड़ा देश देखें तो रूस है क्षेत्रफल में, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 क्रम से देश हैं और उसके बाद में सातवें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो ये दूसरा है। प्रथम पे इसमें देखें तो कौन सा है? चाइना। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है और जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। चाइना प्रथम और भारत दूसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द ही भारत इसको क्रॉस करने वाला, लगातार भारत के लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही प्रथम स्थान होगा विश्व में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। 2.4 भी आपको ये मिल जाएगा, 2.4 लिखा भी आपको मिलेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे 2.42% लिखे और चाहे 2.4% लिखे, आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, 32,87,263। इसको ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा, 32.8 लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी लिखा आपको अगर मिले तो भी ये सही है। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में 6,40,930 गांव हैं, जहां तक डेटा मेरे पास अपडेट था। यानी 6,40,000 प्लस आप इसको मानिए, 6,40,000 प्लस आप इसको मान लीजिए कि इससे प्लस में गांव है, लाख में, ठीक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, तो ये 3,214 किलोमीटर है। अगर ये भारत का हम मैप बनाएं तो ये जो भारत का मैप ये है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये है 3,214, और अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपसे अगर पश्चिम पूछा जाए तो आप अरब सागर टिक कर देंगे, लेकिन दक्षिण पश्चिम पूछा जाएगा वहां भी अरब सागर है, इसीलिए यह प्रश्न मैंने यहां पर सेलेक्ट किया। 11वां प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में है। 2011 का जो ये सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आपको दिया जा रहा है। एग्जैक्ट डेटा आज की डेट में क्या है, जब 2021 का सेंसस होगा तब पता चलेगा। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व या पूर्व में आपसे कहा जाए तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ही तो फैलाव है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो यह म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये दोनों श्रीलंका से, पाक जलडमरू मध्य कहें या मन्नार की खाड़ी कहें, ये दोनों के दोनों श्रीलंका और भारत को अलग करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर के? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक, ये 7 राज्य। राजस्थान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और मिजोरम 7। टोटल 7 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने डिग्री अक्षांश में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है, वहाँ से ये लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो राज्य है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और है आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर ये गुजरती है, ये 5 राज्य हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री से ये जो नैनी का स्थान है वो 82.5 डिग्री है, और 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, तो 75 डिग्री तक पूरे 5 घंटे हो गए, और 67.5 डिग्री जो है वो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट और हो गया। तो 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना है आगे है, तो इसको प्लस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर तो वैसे हो जाएगा, वैसे ये प्लस 5:30 है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से दक्षिणी छोर की देखें तो केवल 876 किलोमीटर दूर ही भूमध्य रेखा स्थित है यहाँ से। भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो ये 15,200 किलोमीटर है, ये पूरी जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी बात हो रही है। और भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत भारत की मुख्य भूमि है, द्वीपों को इसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन तटरेखा यानी कि समुद्री किनारे जो हैं तो वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। और भारत की कुल तटरेखा जिसमें द्वीप समूहों को भी शामिल किया जाता है, द्वीप समूहों सहित, तो ये है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो जब द्वीपों को शामिल नहीं किया जाएगा तो ये 6,100 रहेगा, और जब द्वीपों को शामिल किया जाएगा तो ये 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये 28.8% भाग पर, 28.8 यानी लगभग 29%, लगभग आपसे 29% अगर करके पूछ लिया जाए तो आप इसको सही मानिएगा। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर आंकड़े करते हैं तो 30% करके भी लगभग में पूछा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑप्शन परीक्षा में दिए जाते हैं। तो अगर 28.8%, 29%, 30% मिलता है तो आप इसको सही मानेंगे। वैसे एग्जैक्टली है 28.8%, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या ये 9 है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य भारत में समुद्री तटरेखा वाले हैं। वैसे राज्यों की संख्या कितनी है, कितने राज्य हैं? सही से याद रखिए, अब जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो 28 ये हैं और 9 हो गए आपके यूटी, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने हो गए याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप जैसे जो चीज़ें अपडेट होती हैं तो उनको भी आपको अपडेट कर लेना चाहिए। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है अगर आपसे पूछा जाए तो ये गोवा की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। याद करिए, पश्चिम से चलिए गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और सबसे ईस्ट में है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो
तो ये इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम भारत का स्थान अगर पूछा जाए आपसे, तो इस रूप में भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी अंदर जाके प्रश्न पूछेगा और कठिन बनाएगा, तो ये बड़ा निकोबार जो ग्रेट निकोबार है उसके एक गांव में स्थित है। अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार द्वीप है उसके एक गांव में ये स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग प्राचीन है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन भाग है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूरब में है, ये भारत का समुद्र तट जो पूरब में पाया जाता है, ये वाला तट, ये कोरोमंडल तट है। और कोंकण तट कहाँ पाया जाता है? तो गोवा से दमन तक पाया जाता है, इधर ये कोंकण तट पाया जाएगा पश्चिम की तरफ। न्यू मूर द्वीप ये अंडमान सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, रामेश्वरम लोग जाते हैं। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 36 द्वीप हैं, और इसमें एंट्रोट द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्षेत्रफल है 4.9, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर, 4.9 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, और ये सबसे बड़ा द्वीप है वहाँ का। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी हमने बात की थी, 9 हो गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी पहले से थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये अभी जब धारा 370 समाप्त हुई उसके बाद में इनको यह दर्जा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश जो है, ये 23.5 डिग्री भी आपसे कहा जा सकता है ऐसे लिख के, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है, ये आपको जो आपका भारत है उसको दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो ये जो मैदान है ये भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, अरावली और विंध्य के बीच में मालवा का पठार। 54 नंबर प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, तो अरब सागर में जो भारतीय द्वीप हैं ये सब प्रवाली प्रकृति के द्वीप हैं, प्रवाल से ही उत्पत्ति हुई है, ये इनकी विशेषता है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में मैकान का पठार पाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची पठार का नाम, रांची का जो पठार है उसका नाम छोटा नागपुर है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर रिपीट हो रहा है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ANMM जानते हैं, ऐसे ANMM याद रखिएगा, ये चीन की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं। अब एक प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये है अनाई मुडी दक्षिण भारत की। और इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में सबसे पहले किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया जो शब्द है। भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? हम चर्चा कर चुके हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, 82.5, ध्यान रखिएगा। अगरतला, गांधीनगर, ये प्रश्न देखिए, जबलपुर, उज्जैन नगरों में से कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, और गांधीनगर इसमें सबसे नजदीक स्थित है। जब आप चीजों को पढ़ें, मैप को देखें,
तो चीजों को इर्द गिर्द जैसे कर्क रेखा है या आपकी जो मानक समय रेखा है उसके पास स्थित शहरों को या और कोई भी ऐसी भौगोलिक स्थिति है उनके पास के शहरों को जरूर तैयार करें। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो देखिए दूसरा प्रश्न बना यूपीएससी का, कोलकाता सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात से गुजरती है, सऊदी अरेबिया से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, ओमान से गुजरती है, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चीन से, ताइवान से आदि अन्य देशों से। तो ये प्रमुख देश थे जहाँ से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर इनमें से उत्तर में है। झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा दक्षिण में है, मणिपुर उत्तर में है। जून माह में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो सबसे ज़्यादा दिन की अवधि होगी जून माह में दिल्ली में। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में, अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप है उसमें 5 बजे प्रातः सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय तो वहां से 2 घंटे बाद, पूरब और पश्चिम किनारों को हम मिलाएं तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है, इसीलिए कई टाइम जोन की बात हो रही है। वहां पर जो टाइम जोन यूज किया जा रहा है और जो पश्चिम में यूज किया जा रहा है उनमें 2 घंटे का अंतर है, तो गुजरात में उस समय प्रातः के 7 बज रहे होंगे, ठीक है ना। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो ये 7 बज नहीं रहे होंगे, सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया, 7 बजे होगा सूर्योदय, ये बात हो रही है। वैसे तो 2 घंटे यहाँ पीछे हो जाएगा, तो ये 7 बजे होगा, तो पीछे हो जाएगा इसीलिए, तो 5 बजे वहाँ होगा तो यहाँ 7 बजे होगा, 2 घंटे बाद। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है, हिमालय का ये विस्तार है। 69 नंबर प्रश्न है, वह एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, उससे सीमा मिलती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। भारत किस प्रदेश की सीमाएं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। मैप में देखिएगा, भारत में किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है? तो त्रिपुरा को घेर रखा है, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था। भारत के शीर्ष 5 तटरेखा राज्य कौन से हैं? तो ये गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, सबसे बड़ी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे तटरेखा की लंबाई है। किस देश का भारत के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर का भारत के और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा विस्तार पाया जाता है। किस देश के साथ सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर ये सीमा विस्तार पाया जाता है। भारत में कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ये 17 राज्य हैं। आपका काम है कि इनको देखिएगा, इनको देखिएगा मैप में और फिर जानिएगा कि कैसे कौन से राज्य हैं। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसे संकीर्ण जलीय भाग अगर कोई है तो उसको क्रीक कहा जाता है। महासागर का स्थल में घुसे संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक कहा जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप, देखिए बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, तीसरा प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, रामेश्वरम। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। थार भूमि राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों की सीमाओं को यह स्पष्ट करता है? कितने राज्य हैं बताइएगा? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ये आपके लिए प्रश्न है। उन राज्यों का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। 82 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी की सजा हो गई, तो काला पानी की सजा जो होती थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था। तब कनेक्टिविटी ऐसी नहीं हुआ करती थी। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये सिरिल जान रेडक्लिफ ने किया था, सिरिल जान रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान? तो ये सिक्किम है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में, डंकन पास इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग, तो दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी है इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह आदम ब्रिज है, आदम का पुल उसे कहते हैं, आदम ब्रिज अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है?
अंटार्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, आप जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथे स्थान पे कौन आता है कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो कुरनूल हुआ करती थी। सतपुड़ा की पहाड़ियां, यह मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 95 नंबर प्रश्न, मंगलौर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इसमें दक्कन का पठार विस्तृत है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है, राजस्थान में है। सुमेलित करने में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये बनास नदी है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो ये संकोष नदी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत सबसे पहले क्या था, तो टिथिस नामक एक सागर था, टिथिस नामक सागर या समुद्र आप कह सकते हैं, हिमालय पर्वत ऐसा ही था। 104 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई, तो 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर हैं, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन, तो ये फोर्ट ब्लेयर है, फोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है ना। और 108 नंबर प्रश्न है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई, तो 1896 में की गई थी, हेनरी मॉर्टिमर डूरंड ने इसका निर्धारण किया था, हेनरी मॉर्टिमर डूरंड ने इसका निर्धारण किया था। तो तीन चार प्रश्न रिपीट हुए हैं, 109 टोटल हैं, तो 105 से आप प्रश्न मान सकते हैं, 105 आप प्रश्न नए देखे हैं, कोई रिपीटिशन के बिना नए प्रश्नों का डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। अगले एपिसोड में हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे, और अगला एपिसोड जो होगा उसमें भारत भूगर्भिक संरचना की बात की जाएगी। आप इसको देखते रहिए, आप लोगों तक इनको पहुंचाइए इन चीज़ों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला पार्ट, भारत की भूगर्भिक संरचना पर प्रश्न। कल हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा था, उसमें एक प्रश्न में कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन ये था वो प्रश्न गलत टाइप हो गया था, उसको मैंने हटा दिया था बाद में। प्रश्न था कि चीन से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वो कुछ पता नहीं क्या हुआ था कि इधर उधर वो गलत टाइप हुआ था वहाँ पर। तो ये जो राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर हैं, आप ऐसे जान लीजिए इनको, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो राज्य हैं वो है जम्मू कश्मीर, पहला तो ये जान लीजिए जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश और एक है सिक्किम। इन चार राज्यों की सीमा चीन से मिलती है, तो इसको सही कर लीजिएगा और आगे हम जो डिस्कस करते हैं। कभी कभी गलतियां अगर हो जाती हैं आप लोग बताते हैं तो अच्छी बात है, वो सही हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए तैयार भी हो जाता है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न, पृथ्वी के शीतल होने पर सर्वप्रथम निर्मित चट्टाने कौन सी हैं, तो ये आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं ये पृथ्वी के शीतल होने पर सबसे पहले निर्मित हुई थी, आर्कियन क्रम की चट्टाने। ये चट्टाने कौन कौन सी, इनमें तो नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट जो चट्टाने हैं ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानों के नाम है। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानों का क्रम कौन सा है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, सबसे ज्यादा खनिज इसी में पाया जाता है, तो आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व तो सबसे ज्यादा है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने सबसे
विकसित रूप में कहाँ दिखती हैं? तो मैसूर और दक्षिण मुंबई के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इनका सबसे विकसित रूप दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है, ग्लोसोपटेरिस फ्लोरा के बाद, ग्लोसोपटेरिस फ्लोरा के बाद उत्पन्न वनस्पति को क्या कहते हैं? तो टिलोफाइलम इसे कहा जाता है। छठा प्रश्न है, भारत में 98% कोयला, 98% कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। जहाँ भी कोयले की बात आए तो आप गोंडवाना क्रम की चट्टानों को ध्यान रखिए। भारत में दक्कन ट्रेप में प्रमुख रूप से प्राप्त होने वाली चट्टानें कौन सी हैं? तो ये बेसाल्ट व डोलोराइट हैं, ये दक्कन ट्रेप में प्राप्त होती हैं। भारतीय भूखंड का वर्तमान स्वरूप किस युग की देन है? तो यह टर्सरी युग की देन है, टर्सरी युग में इसका वर्तमान स्वरूप जैसा आज है ऐसा हुआ बनाए। नाइन्थ नंबर प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान से तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। पूर्वी राजस्थान में इसकी खदानें पाई जाती हैं, खेतड़ी की खदान और ये सब मिलेंगी, आगे के चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। दसवां प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशिष्टता क्या है? तो ये जल निक्षेप से निर्मित हुई है, ये इनकी विशेष बात है। जीवावशेषों से युक्त चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये द्रवणीय समूह की जो चट्टानें हैं वो जीवावशेषों से युक्त चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, कार्बनीफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच भारत में निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसको कहा जाता है। कार्बनीफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में जो भारत में निर्मित चट्टानें हैं उनको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहते हैं और कोयले के लिए जानी जाती हैं। गोंडवाना युग के समय सघन वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी, तो उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा इसी को कहा जाता है, ये गोंडवाना युग के समय जो सघन वनस्पति उत्पन्न हुई थी। 14वां प्रश्न है, टर्सेरी क्रम की चट्टानों की निर्माण अवधि क्या है? तो ये ईओसीन से प्लायोसीन युग में टर्सरी क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। 15 नंबर प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो ये टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई। एरानियन, कॉकेसस, कार्पेथियन, आल्प्स और फ्रेनीज पर्वत किसके समकालीन है? तो ये सब हिमालय के समकालीन है, मोड़दार पर्वत हैं, हिमालय के साथ के हैं। 17 नंबर प्रश्न है, शिवालिक हिमालय की चट्टाने कैसी चट्टाने हैं? तो जो शिवालिक हिमालय की चट्टाने हैं वो नदीय चट्टाने हैं। 18 नंबर प्रश्न है, करेवा नामक विशाल सरोवर की स्थिति, तो करेवा ये जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर की घाटी है उसके स्थान पर थी। प्लेस्टोसीन काल में निर्मित पुरातन कॉप को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर कहा जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होने वाले बहुमूल खनिज हीरा और पन्ना है। अब इनसे बहुमूल क्या है? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। भारत में प्राचीनतम चट्टानें दक्षिण भारत से प्राप्त होती हैं, जबकि नवीन चट्टानों का क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में है। हिमालय क्षेत्र नवीन चट्टानों का क्षेत्र है और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, ये प्राचीनतम चट्टानों के उदाहरण हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मेसोजोई कल्प में भारत की प्रमुख घटना क्या थी? तो गहन ज्वालामुखी का उद्गार होना मेसोजोई कल्प में भारत की प्रमुख घटना थी। गोंडवाना लैंड का विभंजन कब हुआ? तो सेनोजोई कल्प में हुआ था। खनिज तेल का सबसे बड़ा स्रोत, टर्सरी क्रम की जो चट्टाने हैं वो खनिज तेल की सबसे बड़ी स्रोत है। 25 नंबर प्रश्न है, अगर प्लेस्टोसीन में हुए नवीनतम कॉप निक्षेप को नाम दे, उसको क्या कहा जाता है? अपर प्लेस्टोसीन में जो नवीनतम काप निक्षेप है उसको खादर कहते हैं। सोना, लोहा, जिंक, लेड, मैग्नीज, अवरक, एस्बेस्टस, कायनाइट, एपेराइट, सिलिमेनाइट जैसे धात्विक तथा अधात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? तो ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ट्रियासिक क्रम की चट्टानें लगभग अदृश्य हैं, कहाँ पर? तो प्रायद्वीपीय भारत में ट्रियासिक क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये टर्सियरी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण ये प्लिस्टोसीन काल में हुआ था।
चर्चा में है, पूछी जा सकती है। भूगोल के पेपर सेटर की भी अगर नजर जाएगी कश्मीर पे, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई सालों तक ये चर्चा में अब बना रहेगा। 30 नंबर प्रश्न है, कायांत्रित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? तो ये आर्कियन समूह की जो सैल हैं उनको कायांत्रित चट्टानों का क्रम कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? तो प्लेस्टोनोसीन हिमनद जो था, ये पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद था। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? तो ये धारवाड़ युग में हुई। किस युग में हुई? धारवाड़ युग में हुई। 33 नंबर प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हैरी हैस ने किया था। भारत में प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? छोटा नागपुर पठार को प्रदेश की उपमा दी गई है। और अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसन्नति अलग करती है? तो ये 33 भूसन्नति है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करती है। 36 नंबर प्रश्न है, अजैविक पूर्णता रवेदार अत्यंत भ्रंशित फोलिएटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टाने हैं? तो ये आर्कियन समूह की चट्टाने, इनकी विशेषताएं ये लिखी हुई हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपियन भूगर्भिक इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो पैट्रोजोइक युग का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारतीय पुराण समूह की शैलें हैं। 38 नंबर प्रश्न है, असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये शिवालिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? तो प्लेस्टोनोसीन युग में ये सुनिश्चित हुई। दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों की बनी है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बनी है दिल्ली क्रम की शैलें। 41 नंबर प्रश्न है, भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मिलन हुआ। 42 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना क्रम का निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो ऊपरी कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग की दीर्घ अवधि में, कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग की दीर्घ अवधि में, ऊपरी कार्बोनीफेरस से, ध्यान रखिएगा, जुरासिक युग की दीर्घ अवधि में। एक लंबा समय था जब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। राजस्थान में तांबा कोबाल्ट तथा रंगा किस समूह की शैलों में मिलता है? तो ये सब कुड़प्पा समूह के, पहले भी ये प्रश्न भी हमने देखा था। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ है, दक्कन ट्रैप का, तो ये बेसाल्टीय चट्टानों से हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक रचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति ये कयाल है, पश्चजल या बैक वाटर भी कहते हैं इसको। मालाबार तट किधर है, पश्चिम में कि पूरब में, बताइएगा कमेंट करके। 47 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान से ये ज्ञात होता है हुआ है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ एक विशाल सागर हुआ करता था। तो ये जो जानकारी है किस सागर के बारे में है? यह है टैथिस सागर। टैथिस सागर ये पहले हिमालय पर्वत की जहाँ पर अभी स्थिति है वहाँ हुआ करता था। टैथिस सागर जो है ये उत्तर में एक महाद्वीप स्थित था जिसे क्या कहते थे? तो टैथिस सागर के उत्तर में अंगारा भूमि या अंगारा लैंड स्थित था, जो ये महाद्वीप था इसका नाम था। संसार के अन्य क्षेत्रों की भांति भारत में भी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कितनी अवस्थाओं में हुई? तो ये 4 अवस्थाओं में हुई। भारत में प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो सर्वाधिक पुराना है। वह निर्मित है पूर्वी कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से, ठीक है ना। तो ये अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्रथम चरण में हुई, तो ये सर्वाधिक पुराना भी है और पूर्व कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ियन चट्टानों से निर्मित हुआ है। और द्वितीय चरण में किसकी उत्पत्ति हुई? तो कैलेडोनियन युगीन पर्वत की उत्पत्ति, ये भारत में द्वितीय चरण में जो उत्पत्ति हुई है वो कैलेडोनियन युगीन पर्वतों की। और तीसरे चरण में हर्सिनियन युगीन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, इनका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक भ्रंश घाटी किन पर्वतों के बीच स्थित है जिसमें नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है? तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है और इसी कारण से विंध्याचल एवं सतपुड़ा को मोरदार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। वैसे तो ये मोरदार पर्वत है लेकिन ये भ्रंश घाटी की जो उपस्थिति है इस कारण से इनको भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, भारत में चौथे चरण में किन चट्टानों का निर्माण हुआ?
जिनमें भारत में बृहद मध्य एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियां आती हैं। तो ये अल्पाइन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत भाग है गोंडवाना लैंड का। आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार किन राज्यों में है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्षेत्र इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों में आते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो ये परतदार चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने हैं? परतदार चट्टाने हैं। जब निक्षेपण होगा तो परत दर परत जमेगी। किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के किन जिलों में? तो धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिलों में इनका हुआ। उसी के नाम पर इनको धारवाड़ क्रम की चट्टाने के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं कहाँ पर? तो प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में। केवल प्रायद्वीप या केवल बाह्य प्रायद्वीप नहीं सही होगा। अगर ए और बी दो विकल्प दिए हैं, फिर सी में दिया है दोनों, तो आप उसको टिक करेंगे, और इनमें से कोई एक दिया है तो उसको आप टिक कर ही देंगे। 61 नंबर प्रश्न है, धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ, तो मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। किस रूप में? मोड़दार पर्वतों के रूप में। भारत में संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत है। संसार में, केवल भारत में नहीं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। अगला प्रश्न है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण, तो ये आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टाने ये कुड़प्पा चट्टानों के बाद में बनी। ये जो क्रम है इस पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कौन किसके बाद बना, स्टेटमेंट देके या आपसे दे देगा कि इनको आयु के हिसाब से इनकी या बनने की क्रम के हिसाब से इनको ऑफसेट कीजिए। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने कुड़प्पा के बाद बनी, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का नाम जो पड़ा है वो विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। 67 नंबर प्रश्न है, विंध्यन की चट्टाने जो फैली हैं लगभग कितना एरिया है? तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये फैली हुई है। एक चैप्टर और देख लेते हैं, इसमें भी लगभग 30-32 प्रश्न हैं, भू आकृति भारत की, और फिर इसको समाप्त करते हैं, जिससे कि 100 के प्रश्नों का योरेज हमारा बना रहे। कल भी 100 से ऊपर हमने डिस्कस किया था, आज भी इस क्लास में भी दूसरे पार्ट में भी हम इतना करेंगे कम से कम। भारत में पठारी भूभाग का विस्तार कितना है? तो ये जो विस्तार है वो लगभग 28% क्षेत्र में है। यमुना तथा विंध्यन पठार के बीच का क्षेत्र ये बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल का विस्तार 16,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 16,00,000 वर्ग किलोमीटर। चौथा प्रश्न है, सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार क्या कहलाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है जो सोन नदी के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग यानी उदयपुर के निकट की स्थिति जो है ये को क्या कहते हैं? तो जरगा पहाड़ी कहते हैं। अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू के निकट स्थित है, ये कौन सा शिखर है? तो ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, 1,722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सातवां प्रश्न है, पश्चिमी घाट पहाड़ियों को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो सह्याद्री की पहाड़ियां इनको कहा जाता है। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थालघाट और भोरघाट क्रमशः मुंबई से किन शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो कलकत्ता और पुणे के लिए। ठीक है, कलकत्ता और पुणे के लिए ये जो दर्रे हैं वो मार्ग प्रदान करते हैं, थालघाट और भोरघाट। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी दक्षिणी सह्याद्री किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये अनाईमुडी है ना, दक्षिणी सह्याद्री किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये अनाईमुडी, अनाईमुडी ये सर्वोच्च चोटी है ये पश्चिमी घाट की, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। दसवां प्रश्न है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यह है दोदावेटा। दोदावेटा जो है ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, अलग अलग सब याद रखिएगा। माही व लूनी नदियों का क्षेत्र ये कच्छ का रण है। भारत तथा विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में कौन है? तो अरावली श्रेणी है। चंबल का विहड़ क्षेत्र ये मालवा पठार में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर किस क्रम की चट्टानों का निक्षेप है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार पर पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार और कर्नाटक का पठार के रूप में विभाजित करने वाली जो नदी है वह है गोदावरी।
गोदावरी इनको तेलंगाना और कर्नाटक पठार में विभाजित कर देती है, उत्तर और दक्षिण में। भूगर्भवेताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत इन नर्मदा नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। जो विंध्याचल पर्वत है ये माना जाता है भूगर्भवेताओं के अनुसार कि नर्मदा नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये कहाँ है? तो ये महादेव पर्वत पर है, 1350 मीटर ये ऊंची है। 18 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थित है तो ये अमरकंटक की चोटी के पास, अमरकंटक की पहाड़ियों में भी इसको पूछा जाता है ऐसे देकर। हिमालय श्रेणी का उन्नतोदर ढाल भारत की ओर है जबकि नतोदर ढाल तिब्बत की ओर। 20वां प्रश्न है, हिमालय का वास्तविक विस्तार सिंध नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इन मोड़ों के नाम जो है ये नंगा पर्वत और नामचा बरवा। एक का जो पहले सिंध नदी का वो है वो नंगा पर्वत और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वो नामचा बरवा। 21 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर भी कहा जाता है जबकि तिब्बती भाषा में इसका नाम क्या है? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा इसका नाम है। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार भारत वर्मा सीमा पर है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट स्थित है नीलगिरी के दक्षिण में। अंडमान और निकोबार को वर्मा के किस पर्वत का विस्तार माना जाता है? तो यह अराकान योमा का विस्तार माना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, रामेश्वरम द्वीप कैसा द्वीप है? तो एक प्रवाल द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो ये अंडमान में स्थित है। इसका नाम कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। एकमात्र जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। बृहद मैदान का वह क्षेत्र है जहां हिमालय में निकलने वाली नदियां कंकड़ पत्थर गोलास्म इत्यादि का निक्षेप करती हैं। हिमालय पर्वत और गंगा मैदान का ये मिलन स्थल भी है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? यह है भाबर क्षेत्र। 29 नंबर प्रश्न है, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? तो ये श्री हरिकोटा है। और फिर इसका अंतिम प्रश्न है, डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है। अगले पार्ट में फिर आगे के क्वेश्चन को करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। इस मटेरियल को अगर आपको पढ़ना है तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट upsctarget.com और उसमें आप जा सकते हैं, ये वेबसाइट खुल गई और उसमें इस सेक्शन में आप जाइए स्टडी मटेरियल में, और स्टडी मटेरियल में आप प्रारंभिक परीक्षा का एक आपको इसमें फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करिए और इस मटेरियल को आराम से पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और फिर आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। भारत के भूगोल का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने दो एपिसोड्स में, दो क्लासेस में 200 से ऊपर प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हमको जो डिस्कस करना है वो अगला भारत का जलवायु है, इसको हम देखेंगे। 700 के ऊपर प्रश्न हम लगभग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये तीसरा एपिसोड है, तीसरी क्लास है। तो चलिए देख लेते हैं भारत के जलवायु पे प्रश्न। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न लेते हैं। मानसून शब्द किससे संबंधित है? तो मानसून शब्द का जो संबंध है वो मौसमी परिवर्तन से है। मौसम परिवर्तन जो होता है उससे संबंध है मानसून शब्द। कहते नहीं कि मानसून आने वाला है, मानसून जाने वाला है, तो मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्दी का मौसम नम व आर्द्र होता है तथा ग्रीष्म काल छोटा होता है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में ऐसा होता है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस हिस्से में और किस महीने में वर्षा होती है? तो ये पश्चिमोत्तर भारत में होती है और दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है। ठंडक में जो वर्षा होती है वही पश्चिमी विक्षोभ से होती है पश्चिमोत्तर भारत में और दिसंबर से फरवरी के बीच में। चौथा प्रश्न है, नवंबर दिसंबर में लौटते मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो ये दक्षिण भारत में होती है, तमिलनाडु में।
शीत ऋतु के दौरान भारत में पहुंचने वाले शीतोष्ण चक्रवातों का उत्पत्ति स्थान तो ये पश्चिम एशिया व भूमध्य सागर है। भारत में मार्च में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ये पाया जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। भारत में ध्रुवीय तुल्य जलवायु का क्षेत्र तो ये कश्मीर और हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर ध्रुवीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय तुल्य मतलब जहाँ बर्फ जमी होती है, ठंडक टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, तो ये कश्मीर का क्षेत्र और जो हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। आठवां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु भारत के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। नवा प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु प्राप्त होती है? तो राजस्थान और हरियाणा में प्राप्त होती है। ग्रीष्म काल में 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले शुष्क व गर्म हवा या लू को बंगाल में क्या कहते हैं? तो ये काल वैसाखी या नार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी या नार्वेस्टर। नार्वेस्टर हवाओं से दक्षिण भारत में मई जून में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहा जाता है जो मई जून में होती है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, दैनिक आर्द्रता सबसे अधिक होती है? तो ये प्रातः काल में सबसे ज़्यादा होती है आर्द्रता। हमेशा प्रातः काल में सबसे ज़्यादा आर्द्रता, दैनिक आर्द्रता का जो हम रेशियो निकालें सबसे ज़्यादा प्रातः काल में होती है। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल ये वृष्ट छाया प्रदेश है। मानसूनी वर्षा की सबसे प्रमुख विशेषता ये अनिश्चितता व अनियमितता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी वर्षा पिछले साल हुई हो उतनी हो सकता है कम हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, और कब हो कब ना हो ये भी निश्चित नहीं है। भारतीय कृषि इसी पे डिपेंड है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत मात्रा तो ये 200 सेंटीमीटर के लगभग है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो ये पश्चिम तटीय प्रदेश का मालाबार जो तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मानसून पवनों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत ये नवीनतम सिद्धांत है। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों की उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ने का कार्य तो ये हिमालय करता है। अगर हिमालय ना होता तो हमारे यहाँ की मानसूनी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती, ऐसी नहीं होती जैसी अभी हैं। ये जो मानसून पवने हैं उनको उत्तर पश्चिम दिशा में मोड़ देता है। 19वां प्रश्न है, मालाबार तट पर आम्र वर्षा मई में होती है, वस्तुतः ये क्या होती है? तो मानसून पूर्व की ये फुहारें होती हैं, जो आम वर्षा होती है ये मई में होती है तो मालाबार तट पर, तो ये वस्तुतः मानसून पूर्व बौछारें होती हैं। 20वां प्रश्न है, थार जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु को छोड़कर शेष भारत वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, इन तीन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण स्थानीय उच्चावच है। भारत में मानसूनी वर्षा के कुल वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो ये 85% प्राप्त होता है। मार्च से जून तक की अवधि में भारत में उत्तरी क्षेत्र में अस्पष्टता कौन सी ऋतु होती है? तो गर्म व शुष्क ऋतु होती है मार्च से जून तक की अवधि में। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण का संबंध है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से, किससे संबंधित है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति से अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण संबंधित है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये माशिन राम में होती है। ये विश्व भर में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा तो ये लेह में होती है। भारत में किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में। भारत का कौन सा भाग? उत्तर पश्चिम भारत जो है वहां पे पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है ना? उच्च हिमालय भी बात हमने की ना कि उच्च हिमालय, अगर हिमालय ना होता तो ये मानसूनों की जो हवाएं हैं मानसूनी हवाएं उनको मोड़ नहीं पाता भारत में, तो कैसे मुड़ती हैं? तो इसी के कारण से ऐसा है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले आगमन होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मान लीजिए कि ये इंडिया है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया, ऐसी दिशा इसकी होती है। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान है। ठीक है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो हिमालय उत्पन्न करता है। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं? तो शीत ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं।
पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच में, यह औसत है, यह होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जब सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी में आते हैं तो इसी से होती है। 37 नंबर प्रश्न है, उन दो नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो अजमेर और शिलांग। अजमेर और शिलांग एक ही अक्षांश में है लेकिन अजमेर में कम वर्षा और शिलांग में ज़्यादा वर्षा। भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, तो ये जो चार नगर देखे ये प्रश्न पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा कुच्ची में, फिर कोलकाता में उससे कम, फिर उससे कम पटना में, और उससे कम दिल्ली में। ये एक सामान्य वर्षा का सामान्य अवरोही क्रम है, ये कभी किसी साल ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन ये ऐसा पैटर्न पाया जाता है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो ये आम की फसल से। आम वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है, तो कर्नाटक की फसल से ये संबंधित है, ठीक है ना। और 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो निम्बो सिरेटस जो है, वर्षा स्त्री जो बादल है, इसका नाम ही वर्षा स्त्री है, तो ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में औसतन 200 मिलीमीटर, मिलीमीटर है सेंटीमीटर नहीं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य तो ये बिहार है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है, तो 24 घंटे में 25 मिलीमीटर से ऊपर, तब इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वर्षा का दिन है। अगर 24 घंटे में 25 मिलीमीटर से ऊपर की वर्षा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती मिलेगी, क्योंकि मैदान गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती रहेंगी, इस कारण से गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। 45वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। 46 नंबर प्रश्न, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति तो ये छोटा नागपुर पठार पर होती है। कौन सी मानसून शाखा देश से सर्वाधिक वर्षा? तो बंगाल की खाड़ी जो मानसून शाखा है वो करती है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा शुष्क, ये सबसे ज़्यादा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, शुष्क होती है मतलब पर्वतीय वर्षा, आप ध्यान रखिए, शुष्क का कोई नहीं। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये अल मशूदी ने प्रस्तुत किया था भारतीय मानसून का सबसे सटीक विवरण। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता से सर्वाधिक निकट है? तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया भारत के बारे में, तो वो बिल्कुल जैसा है उसके काफी करीब है, यानी असलियत जैसी है वैसा ही है ये। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भारत में वर्षा किसके माध्यम से होती है? तो पश्चिमोत्तर भारत में ये पश्चिमी विक्षोभ है ना, शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण ये होती है, और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्वी तटीय भाग में होती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत में तथा पूर्वी तटीय भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमोत्तर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमोत्तर भारत में, और पूर्वी तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है, दोनों ध्यान रखिएगा। मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र जो ITCZ है, इसी को मानसूनी गर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो यह पर ध्रुवीय वायु धाराएं हैं। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं? तो यह टोटल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, है ना। और जब डिटेल की क्लास हम करेंगे तो उसमें इसको समझेंगे। अभी ऐसे जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी बम वर्षक विमान P-29 थे, उसके विमान चालकों ने इसकी खोज की थी, उनको ये श्रेय जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ये समुद्र तल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर। तापमान वितरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता? तो तटीय मैदानों में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है, तापमान वितरण के अकॉर्डिंग देखें तो। भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए, प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? तो मानसून प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह को, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न, मानसून का निवर्तन क्या कहलाता है? तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को, 15 अक्टूबर तक मानसून दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत से
निवर्तित हो जाता है, तो इसी को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। ठीक है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र ये पंजाब और तमिलनाडु हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है, तो स्थलाकृतियाँ जो हैं ये वर्षा के वितरण में स्थानिक व कालिक अंतर का कारण है। महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये चक्रवातीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा? चक्रवातीय वर्षा होती है। भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, तो अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। साधारण सी बात है कि विचलनशीलता वहीं ज़्यादा होगी जहाँ अनिश्चितता है वर्षा की और कम मात्रा में वर्षा होती है। भारत को कितने जैव जलवायु मंडलों बायो क्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया है, तो 5 हैं, पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद और अति सुखद। है ना, पीड़ादायक, फिर कष्टकर यानी जिसमें थोड़ा कष्ट हो, फिर कम सुखद यानी सुख है लेकिन थोड़ा कम, फिर सुखद और फिर अति सुखद। ये जैव जलवायु मंडल है, बायो क्लाइमेटिक जोन। 66 नंबर प्रश्न है, काफी वर्षा या चेरी ब्लाजम का संबंध ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारों से है, कर्नाटक में ये होती है चेरी ब्लॉसम। 67 नंबर प्रश्न, गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली वर्षा शुष्क, गर्म व पीड़ादायक जो पवने होती हैं वो हैं, तो ये कौन सी हैं? लू जो होती हैं उनको कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं, तो ये दिसंबर से मध्य फरवरी तक प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। प्रति चक्रवातीय कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ मिलेगा, तो ये दिल्ली में मिलेगा, और सब ये तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्रों में कम मिलेगा। जो तटीय क्षेत्र नहीं है ये आंतरिक क्षेत्र में है, तो आंतरिक क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा, तापांतर की बात हो रही है। ठंडक में ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी मिलेगी, है ना, वार्षिक तापांतर की बात हो रही है। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक क्यों है, तो पश्चिम मानसून को यह समुद्र से, पश्चिम मानसून व यह समुद्र से दूर स्थित है ना, पश्चिम मानसून और यह समुद्र से दूर स्थित है, समुद्र से दूरी के कारण ऐसा होता है। 71 नंबर जो प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब है, तो जून से सितंबर तक माना जाता है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पर। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार ये चक्रवातीय है। 74 नंबर प्रश्न है, अलनीनो संबंधित है भारतीय मानसून से। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है। और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक, तो एलिनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हैं। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र ये अरावली का पश्चिमी भाग है। ये भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है अरावली का पश्चिमी भाग। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन है। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा होता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, तो ये लातूर महाराष्ट्र में की गई। ठीक है ना, कहाँ की जा रही है तब तक का प्रश्न है ये, तो लातूर महाराष्ट्र। उत्तर पश्चिमी भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो इसे शीतलहर कह देते हैं। जब 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, यही पैरामीटर है, तो इसको शीतलहर कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है, तो ये वायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र, तो ये डालमा श्रेणी है। कुछ ये मिसलेनियस प्रश्न हो गए यहाँ। भूकंप की दृष्टि से भारत के दो अति संवेदनशील क्षेत्र तो हिमालय और गुजरात क्षेत्र हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ देखे ले रहे हैं, कुछ मिसलेनियस हुआ है एक दो प्रश्न। असम का सोक किस नदी को कहते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं तो बाढ़ और सूखा है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं पूछा जाएगा तो ये उड़ीसा में है, वैसे बाढ़ सबसे ज़्यादा बिहार में। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है, तो लगभग 12.15%, 12% से ऊपर का क्षेत्र है जो बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इस पर भी संकट मंडरा रहे हैं, संकट के बादल। देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है, तो औसतन जब 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, तो ये चेन्नई में की गई।
अगला है, दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वहां का जो वाहन की संख्या है, उससे निकलने वाला जो धुआं है, ये कारण है। और मुंबई में अगर पूछा जाए तो वहां का इंडस्ट्रियल एरिया, उनसे जो प्रदूषित धुआं निकलता है, वहां प्रदूषित पदार्थ जो उनसे निकलते हैं, तो मुंबई में ये कारण है, दिल्ली में ये कारण है, और दोनों कारण दोनों जगह के लिए भी हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, क्योंकि टेम्परेचर भी, यहाँ धूप भी होती है, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना पूरे साल नहीं होती है, जब मानसून आता है तभी तो होती है। तो ये तीनों कारण हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश हैं, तो बाढ़ ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है, भूकंप हिमालय का गिरपात क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है, ऐसे चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा को प्रभावित करता है। तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसमें हमने जो प्रश्न देखे, फैक्ट तो ज़्यादा देखे, लेकिन ये प्रश्न जो है 97, लगभग 100 से ऊपर ही फैक्ट हमने देखे हैं। इसको स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में हम आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेपर। भूगोल के डिस्कशन के अंतर्गत यह अगला चैप्टर भारत एवं प्राकृतिक वनस्पति, इसका पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल की वनस्पति का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो ये जो जन्म स्थान माना जाता है थार मरुस्थल की वनस्पति का, वो है उत्तरी अफ्रीका। माना जाता है कि उत्तरी अफ्रीका में इस जो वनस्पति है, इसका जन्म हुआ। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो ये 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार है, और आगे भी जो लगभग प्रश्न हम इम्पोर्टेंट हैं इसके डिस्कस किए ले रहे हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के, जिससे आपका करंट भी अपडेट हो जाए। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? डेटरिच वैंड्रिस को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष तैयार की गई? तो 1952 में, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ऐसे याद रखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है, और ये जो रिपोर्ट है अपनी 2017 की ये रिपोर्ट आई है, तो ये 15वीं रिपोर्ट है इस हिसाब से। कौन सी रिपोर्ट है? 15वीं रिपोर्ट है। 2017 की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दो वार्षिक क्रम में ये 15वीं रिपोर्ट है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के वन एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल में इनका हिस्सा है 24.39%। भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा तो 21.54%। तो वन एवं वृक्षावरण जब मिलाएंगे तो ये 24.39 हो जाएगा, लेकिन अगर केवल हम वनों का हिस्सा कहेंगे तो ये 21.54% हो जाएगा। एरिया भी ब्रैकेट में दिया है, 7,08,273 वर्ग किलोमीटर। भारत के वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6,778, 6,778, ऐसे याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत की वृक्षावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 1,243, 1,243 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? टोटल अगर कह दिया जाए तो इनको आप जोड़ दीजिए तो ये आपको कितना आ जाएगा? 8,021 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये वनावरण है और ये वृक्षावरण है, इन दोनों को अगर आप ये जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 8,021 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों और वृक्षावरण क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 24.39%। वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य अक्सर पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर केरला में, फिर उड़ीसा और फिर तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश में शीर्ष वृद्धि वाला ये राज्य रहा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। वनावरण क्षेत्र में कमी वाले राज्य, सबसे ज़्यादा कमी मिजोरम में, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है मिजोरम में, ठीक है। देश में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं? लक्षद्वीप 90.33% वनावरण, बहुत ज़्यादा है। मिजोरम 86.27%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.273%। तो अगर आपसे केवल राज्य पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के, तो मिजोरम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और टोटालिटी में पूछा जाएगा कि टोटल में कौन है, तो टोटालिटी में भी लक्षद्वीप ही हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो ये मध्य प्रदेश है 77,414 वर्ग किलोमीटर, फिर अरुणाचल प्रदेश है 66,964 वर्ग किलोमीटर, और फिर छत्तीसगढ़ आता है 55,547 वर्ग किलोमीटर।
ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण वाला क्षेत्र है, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत तो लक्षद्वीप में है और राज्यों में मिजोरम में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति का क्षेत्रफल 4921 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वर्ष 2015 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2015 की तुलना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर का अन्य राज्यों की अपेक्षा वन क्षेत्रफल जो है वो औसत से अधिक है, ये कितना है? तो इनका यहाँ पर 75% से ज़्यादा है। ये जो राज्य हैं एक ग्रुप में देखे आपसे पूछे जा सकते हैं कि 75% से ज़्यादा वाले राज्यों का पहचान कीजिए, उनका चुनाव कीजिए। तो ये यही राज्य हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले, जो इतने ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो कौन सी है, सदाबहार या सदाहरित वनस्पति। अब यहाँ से हम ट्रेडिशनल प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय वनों में मानसूनी पतझड़ वनों का प्रतिशत, तो ये 80% है। भारत में वनों का 90% भाग पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में है, ध्यान रखिएगा। अंडमान में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति यह उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है। तेंदू, पलास, अमलतास ये किस प्रकार की वनस्पति हैं, तो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत इनको रखते हैं। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रॉन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है, तो इनको सुंदरवन कहा जाता है। समुद्र तटीय वनों के मुख्य वृक्ष, तो ये ताड़ व नारियल ये समुद्र तटीय वनों के मुख्य वृक्ष हैं। चंदन की लकड़ी की प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं, तो ये है कर्नाटक। कौन से कर्नाटक राज्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे केरल भी मिलती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक है। केसुअरीना किस वन का प्रमुख वृक्ष है, तो शुष्क सदाबहार वन का वृक्ष होता है केशुअरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के निकट पाए जाने वाले आद्र शीतोष्ण वनों को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सोला। भारत में उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो यह है जैतून, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन का ये वृक्ष है। हिमालय क्षेत्र में वनस्पति रहित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है 4800 मीटर से ऊपर। हिमालय क्षेत्र में जब आप 4800 मीटर से ऊपर जाएंगे तो वनस्पति रहित क्षेत्र मिलेगा। कागज तथा दियसलाई उद्योगों का आधार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक वन कौन सा है, तो यह है साल वन। पश्चिमी मरुस्थल तथा दक्षिणी हरियाणा में मिलने वाले वृक्ष खजूर, नागफनी, ताड़ व कटीली झाड़ियाँ मिलते हैं यहाँ पे। उत्तरी पूर्वी भारत की वनस्पति की उत्पत्ति स्थान, तो इंडो मलेशिया क्षेत्र में इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साइनो तिब्बत क्षेत्र से प्राप्त वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बोरियल। बंगाल का आतंक किस पौधे को कहते हैं, तो इसको जलकुंभी जो होता है, हाइसिंस नाम इसका होता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। जहाँ भी जलकुंभी होती है तो वहाँ के जल में यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है ना। अब भारत की मिट्टियों पर कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत के उन दो क्षेत्रों के नाम जहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य जो हैं, इनके क्षेत्र हैं जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में उत्तरी मैदान की मिट्टी जलोट क्यों है, क्योंकि इनका नदियों के निक्षेप द्वारा निर्माण हुआ है। भारत की तीन प्रमुख काली मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उनके राज्यों के नाम महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। फेरो मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण से किस मिट्टी की उत्पत्ति होती है, तो ये लाल मिट्टी की उत्पत्ति होती है। कपास मुख्य रूप से किस मिट्टी का पौधा है, तो ये काली मिट्टी का पौधा है। वनों की मिट्टी मुख्य विशेषता क्या है, तो ह्यूमस या जीवांश वनों की मिट्टी की मुख्य विशेषता है। लैटराइट मिट्टी में अपरदन किस प्रकार होता है, तो ये परत अपरदन लैटराइट मिट्टी में होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी को रेह, कल्लर या ऊसर कहते हैं, तो जो क्षारीय या अल्काली किस्म की मिट्टी होती है उसे रेह, कल्लर या ऊसर कहा जाता है। चिकनी मिट्टी में बारीक कणों का प्रतिशत 50% के लगभग होता है। परिवहित मिट्टी के उदाहरण क्या हैं, तो कांप मिट्टी और लोयस, ये परिवहित। लोयस किससे लाई जाती है, लोयस पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उड़ाकर। गोंडवाना काल की चट्टानों से बनी मिट्टी कौन सी है, तो ये रवेदार और व अनुपजाऊ मिट्टी होती है जो गोंडवाना काल के चट्टानों से बनी है। कुड़प्पा व विंध्यन क्रम की चट्टानों में निर्मित मिट्टी कौन सी है, तो बलुई तथा क्षारीय मिट्टी। डेल्टा प्रदेश की मिट्टी ये लवणयुक्त होती है। भारत में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता वाली मिट्टी, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता उसमें पाई जाती है। लैटराइट लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो ये सिलिका की कमी इसमें होती है। कांगड़ा, देहरादून, दार्जिलिंग की मिट्टी
तो ये चाय वाली मिट्टी कहलाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है खनिज नमक। पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो झूम की कृषि या समोच्च कृषि के द्वारा, ठीक है ना, वहाँ का जो अपरदन है उसको रोका जाता है इन विधियों के द्वारा। तो ये समोच्च कृषि, ये सही है, झूम की कृषि से तो और नुकसान भी हो सकता है, आप समोच्च कृषि याद रखिए। ये शायद कुछ मिस्टेक हो गया, ये गलत हो गया है, क्योंकि झूम की कृषि का जो कंसेप्ट है तो पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी के अपरदन की रोकने की बात हो रही है, तो वहां पे पेड़ों को तो वैसे जला दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो और बढ़ जाएगी। समोच्च कृषि के द्वारा यहाँ पर रोका जा सकता है, ठीक है, इसको मैं सही करा दूंगा। किस प्रकार की कृषि मिट्टी अपरदन को रोकने में सहायक है, तो मिश्रित कृषि की जाए तो ज्यादा सहायक होती है अपरदन को रोकने में। 20वां प्रश्न है, वन क्षेत्र की मिट्टी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है, तो वन क्षेत्र की मिट्टी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर, इन सब क्षेत्रों में मिलती है। दक्षिण भारत की मिट्टी को प्राचीन माना जाता है, जबकि हिमालय क्षेत्र की मिट्टी को नवीन माना जाता है। अवनालिका अपरदन सर्वाधिक प्रभावित कहाँ प्रभावी होता है, प्रभावित कहाँ करता है, तो ये होता है ढालू भूमि पर, जहाँ ढालू भूमि होगी वहाँ पे अवनालिका अपरदन ज़्यादा होगा। 23 नंबर प्रश्न है, मिट्टी अपरदन की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1953 में किस संस्था की स्थापना की, तो केंद्रीय भूमि रक्षा बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने की थी मिट्टी अपरदन की समस्या को रोकने के लिए। हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट या डायोराइट से निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आग्नेय मिट्टी। और काली कपास की मिट्टी का नाम, अन्य नाम क्या है, तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। अब जल स्रोतों पर कुछ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है उन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से पुकारते हैं, तो ये दूसरा नाम इसका है टी सांगफो, ब्रह्मपुत्र का। वैतरणी नदी किस राज्य से निकलती है, उड़ीसा से। थार मरुस्थल से निकलने या वहां बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो ये लूनी नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सेलेक्टिव। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का रूप लेती हैं, तो ये देवप्रयाग। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व गंगा को क्या कहा जाता है, और ये कहाँ गंगा नदी से मिलती है गिरने से पूर्व, ये दूसरा प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कहाँ गंगा नदी में मिलती है, तो ये मिलती है बांग्लादेश में। कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में। हिमालय की नदियों के प्रायः किस प्रकार की अपवाह प्रणाली दृष्ट होती है, तो हिमालय नदियां वृक्षाकार या पादपाकार अपवाह प्रतिरूप की। 7वां प्रश्न है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो घाघरा नदी गंगोत्री के पूर्व से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा। दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, इसका कारण क्या है, तीव्र गति और उच्च ढाल जो पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र भूमिगत जल के संचित भंडार के मामले में सबसे समृद्ध है, तो उत्तरी मैदान के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलोढ़ क्षेत्र है वो समृद्ध है। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा का। जलप्रपातों की अधिकता वाली नदी कहाँ पर है, तो प्रायद्वीपीय भारत में, वहाँ पर जलप्रपात ज़्यादा पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मुख्यतः किस प्रकार की नदियाँ हैं, तो ये जो नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलने वाली नदी, ये सतलुज नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है, वेरीनाग में। ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। दिहांग तथा लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, कई बार पूछी गई हैं। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं, तो यह अनुगामी प्रवाह प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों की प्रवाह की दिशा क्या है, तो पश्चिम घाट से पूर्व की ओर ये बहती हैं, ठीक है, पश्चिम नहीं पूर्व की ओर। पेरियार, पुन्नावी और सरावती नदियां, इनकी प्रवाह की दिशा क्या है, तो पश्चिमी घाट से पश्चिम अरब सागर की ओर जाती हैं, इसीलिए पूछे गए पेरियार, पुन्नावी और सरावती नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों के नाम लिखे हैं जो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई हिमालय की नदियों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती हैं। कई नदियां हैं, चंबल है, केन है, सोन, बेतवा है और काली, सिंध भी, ये सब इसके उदाहरण हैं, काली, सिंध, चंबल, केन, सोन और बेतवा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो नंगा पर्वत के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कैमूर श्रेणी में स्थित तमाशा कुंड नामक जलाशय से निकलने वाली नदी, तो ये दक्षिणी टोंस या तमसा नदी इसको कहते हैं, तमसा कुंड है तो तमसा नदी या दक्षिणी टोंस इसको कहते हैं, कैमूर श्रेणी में यह है।
25वां प्रश्न है, शिव समुद्रम नामक जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सरावती नदी पर स्थित है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। ऊंचाई भी पूछी गई है। झेलम नदी का मुहाना वोलर झील के पास में स्थित है। गंगोत्री हिमनद केदारनाथ चोटी से उत्तर में 66,000 मीटर की ऊंचाई पर किस स्थान पर स्थित है, तो गोमुख के स्थान पर स्थित है। भारत की दो प्रमुख नदी कौन सी हैं जो पड़ोसी देशों में भी बहती हैं, सिंध और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये पड़ोसी देशों में भी बहती हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ये कावेरी नदी है। तो ये बेसिक प्रश्न थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं इस क्लास को। 100 के करीब प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, 90 to 100। फिर अगली क्लास में हम आगे का डिस्कशन करेंगे, और जैसे ही ये क्लास पूरी होगी आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनके PDF दिए जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IAS प्रेप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं IAS प्रेप ऑफिशियल, तो उस पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पे लगातार इसमें मैटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत के खनिज संसाधन, ये अगला चैप्टर है, इसको हमको डिस्कस करना है। इसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो करंट के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो डेटाज होते हैं, उनको यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, और उनको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आगे हमको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट के प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न को हम देखने जा रहे हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो जो खान ब्यूरो है इसका मुख्यालय है नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है। तो कई पेटियाँ अगर आपको दी तो नागपुर पेटी आप याद रखिएगा, ये खनिज संपदा में सर्वोच्च पेटी है। भारत का रूर, ये उपमा किसको दी जाती है, छोटा नागपुर पठार को दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे विपन्न भाग कौन सा है, तो उत्तरी मैदानी भाग जो है वो अधिक विपन्न है, ये बहुत विपन्न भाग है, यहाँ पर कोई खनिज संपदा नहीं पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज तंत्र कौन सा है, तो ये है धारवाड़ खनिज तंत्र। बिंध शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, किस चीज़ के, चूना पत्थर के, जो बिंध शैल में है वहाँ पे चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, भारत के जो दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है, इसमें छोटा नागपुर, दंडकारण्य और उड़ीसा का पठार आता है। ये खनिज का हृदय स्थल है ना, हार्ट ऑफ मिनरल्स है ये। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसमें लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। क्वार्टजाइट स्थानांतरित होता है, तो क्वार्टजाइट जो है ये स्थानांतरित होता है बलुआ पत्थर से, है ना, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से स्थानांतरित होता है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट ये ललितपुर में पाए जाते हैं। यूपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, यूपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये ललितपुर जो एरिया है वो यूपी से रिलेटेड है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पंजाब में कहाँ लवयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में नहीं है, ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। बिहार में पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, उड़ीसा में भी पाया जाएगा, लेकिन जो पंजाब है पंजाब में लवयस्क नहीं पाया जाता। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता, तो नाथरा की पाल जो क्षेत्र है राजस्थान का वहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। सीसा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग है, तो लौह इस्पात उद्योग में सर्वाधिक उपयोग सीसा का होता है। सर्वोत्तम कोटि का लोह अयस्क ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का अधिकांश भाग ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, अन्य जो क्षेत्रों में है वहाँ पे मैग्नेटाइट नहीं, साउथ इंडिया में मैग्नेटाइट पाया जाता है, सबसे अच्छा कोटि का ये होता है। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये है राजस्थान, राजस्थान जो है वो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। एशिया के श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध हैं कहाँ पर, तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा की खान जो है यहाँ पर भारत के ही नहीं वरन एशिया के श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं।
देश में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन ये राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में होता है। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वहां पर देश में सर्वाधिक चांदी उत्पादित की जाती है। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। बहुत सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है तो अवरक सीट का है, अवरक सीट यहाँ उत्पादित होते हैं। टोटालिटी में अवरक जब पूछा जाएगा तो चाइना हो जाएगा। प्राकृतिक अवरक के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान अगर हम देखें तो ये चीन का है, यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए इंफॉर्मेशन दी गई है। उड़ीसा का केंदु, यानी कि दो प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा दो प्रश्न है यहाँ। उड़ीसा का केंदुझार तथा एमपी का बालाघाट ये मैगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। बालाघाट कहाँ है? एमपी में, और केंदुझार कहाँ है? ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा या उड़ीसा दोनों इसको लिखा जाता है, चाहे आप उड़ीसा लिखिए चाहे उड़ीसा लिखिए, तो ये मैगनीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान की खेतरी तथा एमपी की मलजकन की खाने जानी जाती हैं, तो ये तांबा उत्पादन के लिए। खेतरी खान बहुत बार पूछी गई है तांबे के लिए, और एमपी की मलाजखंड भी आप जान लीजिए, कहीं की मलाजखंड भी मिलेगा आपको लिखा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में टिन का सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन तो ये छत्तीसगढ़ से होता है। कर्नाटक के कोलार और बहट्टी जो क्षेत्र हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये हट्टी क्षेत्र भी आपको मिलेगा, है ना, हट्टी। तो ये जो हट्टी क्षेत्र है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है, और कोलार भी है, कर्नाटक के ही दोनों क्षेत्र हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर ये मकराना से प्राप्त होता है, और संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान होती है। संगमरमर क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये कायंत्रित चट्टान होती है। संगमरमर पुनर्रवीकृत चूना पत्थर है, ये ध्यान रखिएगा, पुनर्रवीकृत चूना पत्थर। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो चांदी में भारत की आत्मनिर्भरता है। भारत में निकल का 90% से अधिक प्राकृतिक क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। गारमेट जिसको तांबड़ा कहते हैं, इसका संबंध कायांत्रित चट्टानों से है। धातु खनिज नहीं है, तो जिप्सम धातु खनिज नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य अवरक का उत्पादन नहीं करता? तो मध्य प्रदेश में अवरक का उत्पादन नहीं होता, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड में अवरक का उत्पादन होता है। किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार पाया जाता है। झारखंड का सिंहभूम जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सिंहभूम जिला जाना जाता है। ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो या फिर सुमेलित करने में है, या फिर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों तरीके से आप तैयार रहिए। तालचेर किसके उत्पादन के लिए? तो कोयला उत्पादन के लिए तालचेर प्रसिद्ध है, और है कहाँ तालचेर? ये उड़ीसा में है। भारत की किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? भारत से, सॉरी, तो ये जापान को किया जाता है, यहाँ से कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है। शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज जो खनिज है इसका निर्माण, शुष्क बैटरियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बायराइट्स भंडार कहाँ पाया जाता है? तो मंगमपेट, ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में है, वहाँ पे बायराइट्स भंडार विश्व का एकमात्र जो है सबसे बड़ा है ये पाया जाता है। बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रोहतास में पायराइट पाया जाता है। रोहतास कहाँ है? बिहार में। मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं मन्नार की खाड़ी से। कहाँ से? मन्नार की खाड़ी से। भारत में पाए जाने वाले मैग्नीज, इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, मैग्नीज एस का अधिकांश भाग है ना, तो ये कौन सा है देश खरीदता है? लगभग 2/3 की बात हो रही है, तो ये जापान ही खरीदता है मैग्नीज एस जो होता है उसका अधिकांश भाग। 42 नंबर प्रश्न है, बारगावान पहाड़ी जानी जाती है, तो बारगावान जो पहाड़ी है ये बॉक्साइट खनन के लिए जानी जाती है। यहाँ उत्तम कोटि का गुलाबी रंग का बॉक्साइट मिलता है, गुलाबी रंग का उत्तम कोटि का बॉक्साइट होता है यहाँ पाया जाता है। चैंपियन रीफ तथा ओरेगोन रीफ किस लिए जानी जाती है? तो स्वर्ण खनन के लिए। कोलार क्षेत्र में ये दोनों स्थित है, अभी बात हुई थी ना कोलार और हट्टी कर्नाटक में, तो वहीं पे चैंपियन रीफ और ओरेगन रीफ ये स्वर्ण खनन के लिए कोलार क्षेत्र में स्थित है। भारत में सोना मुख्यतः तो क्वार्ट्ज जो चट्टाने हैं उनकी नसों में, क्वार्ट्ज चट्टानों के मध्य में पाया जाता है। सीसा ये परतदार चट्टानों में, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में वहां पे पाया जाता है। कोयला किस प्रकार की सैलों से प्राप्त होता है? तो ये अवसादी सैलों से प्राप्त होता है। कोयला कैसे सैलों से? अवसादी, गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है ना, गोंडवाना लैंड इसके लिए प्रसिद्ध है। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण किस युग की कोयला चट्टाने हैं? तो गोंडवाना काल की। 98% जो कोयला है वो इसी से पाया जाता है।
सबसे उत्तम किस्म का कोयला तो ये एंथ्रेसाइट होता है, और सबसे उत्तम किस्म का लोहा भी मैंने बताया था, रिकॉल करिए कौन सा होता है। टर्सरी युगीन कोयले भारत में भी 2% ही पाए जाते हैं, का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो माकूम असम में, नवेली तमिलनाडु में, और पलना राजस्थान में। असम का मतलब असम है ना, अब उसका नाम से इसके तो असम ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये क्षेत्र हैं जहाँ पर टर्सरी युगीन कोयला पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस, गोंडवाना काल की ये विशेषता है बिटुमिनस किस्म का कोयला, तो बिटुमिनस किस्म का ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि होता है एंथ्रेसाइट किस्म का सबसे अच्छा। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी में है? तो गैर कोकिंग श्रेणी का कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा, गैर कोकिंग श्रेणी जो है उसी का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत किस खनिज में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो जो कोककारी कोयला है उसमें माना जाता है कि 30 साल तक ये आत्मनिर्भर रहेगा, और 30 सालों के बाद में ये क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका विकल्प खोजने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का 80% योगदान है। नामचिक नामफक नामपेक, तो ये नामचिक नामपेक या नामफक कोयला क्षेत्र जो कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार ये झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, भंडार की बात हो रही है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडार अनुमानित है, तो ये मन्नारगुडी, ये तमिलनाडु अनुमानित भंडार है ये। लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन 35 से 40%, तो 35 से 40% कार्बन ही पाया जाएगा जब आप इसको जलाएंगे, तो इतना अवशेष ये रह जाएगा, इसमें इतना जलेगा ही नहीं। भारत के किन राज्यों में अवरक की सबसे बड़ी मेखला? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हजारीबाग झारखंड में यहाँ पर पाई जाती है। पीट कोयला का निर्माण, तो ये दलदलों में होता है, जो पीट कोयला है वो दलदलों में निर्मित होता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकूम क्षेत्र असम में 1867 में, फिर डिगबोई असम में 1889 में खोदा गया। लेकिन देश का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये डिगबोई तेल शोधन कारखाना ही था 1893 में। तो ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, प्रथम कुआं माकूम असम में, डिगबोई में दूसरा, लेकिन तेल शोधनशाला डिगबोई में पहली स्थापित की गई। विश्व की विशालतम पेट्रोलियम शोधनशाला, तो ये रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जामनगर गुजरात में है, भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी है। अब तटीय क्षेत्र के खनिज तेल उत्पादन को किसके हिस्से में शामिल किया जाता है? तो केंद्र सरकार में आता है, नहीं तो राज्यों में झगड़े होंगे। देश की प्रथम पाइपलाइन कौन है? तो नाहर कटिया नून माटी बरौनी, ये जो पाइपलाइन है तेल पाइपलाइन, ये देश की पहली है। देश का प्रथम तेल शोधनशाला ये डिगबोई, अभी हमने डिस्कस किया। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन ये मुंबई हाई है ना, और राज्यों में देखा जाए तो असम, वैसे मुंबई हाई का स्थान है, और राज्य में देखेंगे तो असम का स्थान इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयली गुजरात, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी है, और वैसे तो जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस की है। तरल सोना ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र ये गुजरात में है, और मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं, ये नाम जो है। हाइड्रोजन विजन 2025 यानी कि 2025 जो है 2025, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन एवं भंडारण से संबंधित है, हाइड्रोजन विजन 2025। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य आयल इंडिया लिमिटेड IOL ये करता है। नूनामती का तेल शोधन कारखाना ये असम में अवस्थित है। हाल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता? तो आंध्र के अपतटीय क्षेत्र में लगाया गया था। कोयले की खपत का क्रम, तो विद्युत लौह इस्पात सीमेंट उर्वरक रेल, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में, फिर लोहा में, फिर इस्पात में उद्योग में, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक और फिर रेलों में, ये खपत है। मैंने आपसे अभी कहा था कि विद्युत उत्पादन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और 30 साल बाद अगर ये समाप्त हो जाएगा तो हमको विचार करना चाहिए दूसरे ऑप्शन पे। 76 नंबर क्वेश्चन है, आसाम में स्थित सुरमा घाटी ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा घाटी आंखों में तेल लगना, याद रखिए तेल आंखों में समझ लीजिए लगाया जा रहा है, सुरमा वैसे आंखों में लगाया जाता है। बोर होलवा क्षेत्र जो तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये असम नागालैंड की सीमा पर है, बोर होलवा क्षेत्र। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार ये कर्नाटक श्रेणी में पाया जाता है। जादूगोड़ा ये यूरेनियम के लिए है। झरिया ये कोयला उत्पादन से संबंधित है। बॉक्साइट डोलोमाइट लौह अयस्क टीन आदि ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ऐसे खनिज हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। खनिज तथा उससे संबंधित स्थान कुछ हम देख लें, तो इसमें देखिए ये
मैंगनीज ये उड़ीसा, सीसा, जस्ता ये राजस्थान में, एस्बेस्टास ये राजस्थान में, कोयला करनपुर ये झारखंड में है, स्वर्ण हट्टी ये कर्नाटक में है, अवरक नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से कभी कभी प्रश्न बना दिया जाते हैं। मैंगनीज भंडारा ये महाराष्ट्र में है और निकल उड़ीसा, लवेस बेलारी कर्नाटक, बेलारी हॉस्पिट की जो खान है। अब यहाँ पे देखिए कागज उद्योग और प्रदेश, तो बल्लारपुर ये महाराष्ट्र में है, ब्रजराजनगर ये उड़ीसा में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, बादाम पहाड़ उड़ीसा ये लवेस के लिए, कोडरमा अवरक के लिए झारखंड में, मोसाबानी तांबे के लिए झारखंड में, रवा ये कृष्णा गोदावरी नदी के अपतटीय क्षेत्र हैं और खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, रवा पूछा जा चुका है, ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं। और देखिए राखा ये झारखंड में है तांबे के लिए, अमरकंटक ये वॉक्साइट के लिए, आंवला ये उर्वरक के लिए और नेपानगर कागज के लिए, सीधा एक प्रश्न उठाकर यहाँ पर रखा गया, इंपॉर्टेंट है। नरोरा ये अणुशक्ति के लिए। कोयला उत्पादन क्षेत्र में हम देखें तो दामोदर घाटी बराकर ये यहाँ पे दिया है खदान, और सोन घाटी उमरिया, और गोदावरी घाटी सिंगरैनी, और महानदी घाटी तालचेर। तालचेर कहाँ? उड़ीसा में है, और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। तो ऐसे इसको आप याद किया कीजिए। कोयला क्षेत्र और राज्य, तो रानीगंज क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल, झरिया गिरडी बोकारो और ये करणपुरा करणपुरा ये झारखंड में है, तालचेर उड़ीसा, कोरवा छत्तीसगढ़, सिंगरैनी ये आंध्र प्रदेश, सिंगरौली और सिंगरैनी ये तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो सिंगरैनी ये सही है कि गलत है बताइएगा, आंध्र प्रदेश में ये है। और देखिए कोयला गिरडी ये झारखंड में, तांबा अलवर राजस्थान में, मैंगनीज धारवाड़ कर्नाटक में, भूरा कोयला जैनकोंडम याद रखिएगा, और लिग्नाइट ये तमिलनाडु में पाया जाता है। और देखिए हीरा पन्ना लवेस बस्तर दुर्ग, और हीरा ये पन्ना स्थान है, और बॉक्साइट ये सरगुजा मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला सीधी में पाया जाता है सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ और शहडोल में। तो ये हो गया, अब आगे हम देख लेंगे भारत में जो उद्योग है इसके कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न, फिर आपको मैं सब डिस्कस करा दूंगा करंट की जो डेटा है। तो इसको आप देखिए और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, वहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन बना दिया गया है और वहाँ पे कंटिन्यू आप डाउनलोड्स आएंगे, एक दो दिन में आने लगेंगे, ठीक है? आज भी हो सकता है पड़ जाए, तो आप इसको देखते रहिए। भारत में उद्योग, ये अंतिम टॉपिक ट्रेडिशनल भूगोल का, जो भूगोल के हम ट्रेडिशनल टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे, तो भारत के भूगोल में ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक का अंतिम टॉपिक मैं इसको मानकर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में जो भी चीज़ें और बचेंगी वो करेंट अफेयर की होंगी, उनको हम बिफोर द एग्ज़ाम या जब भी डेटाज आते हैं उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। चलिए इसको समाप्त करते हैं। लगभग इसमें हम फैक्ट्स जो देखेंगे वो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, 125 से ऊपर फैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न स्थान और इस तरह से पूछे जाते हैं कौन सा उद्योग कहाँ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये वहीं हुई थी इंग्लैंड में, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था और यहीं पे औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया? तो औद्योगिक नीति 1977 में लघु क्षेत्रों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये दिसंबर 2009 में। भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो ये की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से ये की गई थी। रेनकूट में स्थापित हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना रेनकूट में किसके सहयोग से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ पर है हिंडाल्को? रेनकूट में, ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश, तो ये कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, भारत का सबसे प्राचीन। दक्षिण भारत में मैनचेस्टर की संज्ञा कोयम्बटूर को दी जाती है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? तो लोहा और इस्पात उद्योग को
आधुनिक विकास की कुंजी माना जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकल। धब्बा रहित स्टील बनाने में क्रोमियम क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो स्टील धब्बा रहित हो जाती है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति किस इस्पात संयंत्र को उपलब्ध नहीं है? तो जो VSL विश्वसुरैया स्टील लिमिटेड है भद्रावती, इसको कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, है ना, ये इस्पात संयंत्र है। चाय, जूट, लौह, इस्पात तथा चीनी में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो लौह और इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति तो क्योंझर से होती है। कहाँ से होती है? क्योंझर से। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना तो ये भद्रावती विश्वसुरैया आयरन और स्टील वर्क्स जो है एंड स्टील वर्क्स 1923 में स्थापित हुआ था, यही सबसे पहला कारखाना है सार्वजनिक क्षेत्र का। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए पीतमपुर मध्य प्रदेश में विख्यात है। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र को जल की आपूर्ति स्वर्णरेखा और खरकई नदियाँ और डिमना नाला बांध से होती है। तो स्वर्णरेखा तो आपने सुना होगा, खरकई और डिमना नाला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो ये 1966 में की गई थी। देश का प्रथम एल्यूमिना संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो जेके नगर में 1937 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। टेल्को क्या है? तो ये मुख्यतः ऑटोमोबाइल और वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनी है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का फुल फॉर्म है। इस समय देश में कुल कितने एकीकृत इस्पात प्लांट हैं? तो ये 8 प्लांट भिलाई, सुमेल, ये दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको विश्वसुरैया, विशाखापट्टनम और सलेम, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ठीक है ना, दुर्गापुर ऐसे याद रखिएगा, ये सुमेल कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वेवर के परिकल्पित आदर्श अवस्थित त्रिभुज के अंतर्गत सबसे कम लागत वाली स्थिति किस संयंत्र की? तो बोकारो की अगर हम निकालें वेवर का जो औद्योगिक मॉडल है उसके अनुसार, तो बोकारो का जो संयंत्र है सबसे कम लागत वाली स्थिति है इस संयंत्र की। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में 1818 में की गई थी। 26वां प्रश्न है, भारत का काटनोपोलिस एवं मैनचेस्टर की उपमा किसे प्रदान की गई? तो ये मुंबई को प्रदान की गई। काटनोपोलिस और मैनचेस्टर की उपमा मुंबई को प्रदान की गई। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? तो ये अहमदाबाद को कहते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मड़ुआ डी में, जो टर्मिनल है वहाँ बनाए जाते हैं, मड़ुआ डी में, ठीक है। देश का पहला जूट का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये सिरेशा है कोलकाता के निकट, सिरसा भी इसको बोलते हैं, वहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, किस प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत को एक अधिकार प्राप्त है? तो मूंगा रेशम में, है ना। सबसे अधिक कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाला राज्य यह है कर्नाटक। कौन राज्य है? कर्नाटक। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो यह है कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो ये रूप नारायणपुर पश्चिम बंगाल और हैदराबाद, इन दो जगहों पर हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री लिमिटेड है। भारत में सिल्कान घाटी, सिल्कान वैली, तो ये बंगलौर को कहा जाता है। सहजन जिला गोरखपुर में, तो यहाँ पे जूट मिल है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है बकरी से। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा होता है किससे? खरगोश से, पश्मीना बकरी से, अंगोरा खरगोश से। भदोही, मिर्जापुर, गोपीगंज किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? कालीन निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध हैं, कालीन निर्माण के लिए। और मिर्जापुर जो सीरीज वेब सीरीज बनी थी उसमें भी एक कालीन भैया होते हैं, पंकज त्रिपाठी, कालीन उद्योग के पीछे वो कितना कुछ तस्करी का काम करते हैं देख सकते हैं, आप देखे ही होंगे। HMT बंगलौर की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो स्विट्जरलैंड, HMT बंगलौर, ठीक ना। हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसका फुल फॉर्म था, ट्रैक्टर, घड़ी और बहुत कुछ ये बनाती थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो वेल है कि 6 इकाइयों की स्थापना कहाँ कहाँ? तो एक भोपाल में, तिरुचिरापल्ली में, हैदराबाद में, जम्मू में, बंगलौर में और हरिद्वार में, है ना। भेल हरिद्वार में भी एक शाखा है उत्तराखंड में। प्लास्टिक उद्योग की कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं?
तो प्राश्निक उद्योग को जो कच्चे माल तेल शोधन कारखाने होते हैं वहां से प्राप्त होते हैं, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, मतलब जो तेल निकालने का जो शुरुआती जो मटेरियल हमको मिलता है उसमें प्लास्टिक भी होता है, तेल अलग कर लिया जाता है, ये जो मटेरियल बचता है इसको प्लास्टिक उद्योग को दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद तथा कर्नाटक में बेलगाम जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद और जो कर्नाटक का बेलगाम है ये सब कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़, राजामुंद्री ये सब कागज उद्योग के लिए हैं। कल कोई पूछ रहा था लुगदी क्या होती है, है ना, तो कागज बनाने से पहले जैसे लकड़ी का या जिन चीज़ों का कागज बनाया जाता है मटेरियल, तो लुगदी तैयार की जाती है ना, उसको महीन किया जाएगा बारीक, उसके बाद में उसमें पानी मिलाया जाता होगा, फिर लुगदी तैयार की जाती है, फिर कागज के रूप में उसको ढाला जाता है, जितना वाइट पेपर होगा केमिकल मिला के उसको साफ किया जाएगा। अब प्रोसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन कागज की लुगदी का मतलब यही है, जो मटेरियल होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जैसे कुम्हार लोग मिट्टी को सानते हैं, वैसे ही कागज बनाने के लिए जो मटेरियल साना जाता है। ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय तो ये विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमार्ग 1937 में लागू हुआ ये क्या है? तो एकमार्ग गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है, केंद्रीय कार्यालय इसका नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। किस उद्योग को विचार आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है? तो जो आईटी उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, उसको विचार आधारित उद्योग की संज्ञा दी जाती है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी? अभी भी देखिए प्रश्न प्रासंगिक हो सकता है, हरियाणा में। विश्व में सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? तो भारत में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेराम्बूर चेन्नई के निकट है। रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में। सब पूछे हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड HAL की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड किस सन में परिवर्तित होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये 1964 में किया गया, 24-25 साल ये ऐसे ही रहा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बाद में एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, लेकिन HAL शॉर्ट फॉर्म वैसे ही रह गई, विभिन्न शहरों में इसका ये है HAL। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई? तो ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 में की गई थी। 54 नंबर प्रश्न है, गार्डन रिच चिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जिसका नया नाम हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स जो लिखा है ये इंजीनियर्स होगा, गलत लिखा है, लिमिटेड कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। मझगांव डॉक मुंबई का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय नौसेना के लिए जलयान बनाना। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना कहाँ की गई, है ना, तो ये स्वामित्व वाले जो ये पहला सरकारी थी सिंदरी बिहार में की गई थी, सहकारी स्वामित्व वाला पहला उर्वरक कारखाना। रोग आधारित उर्वरक इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित हैं? तो ये तालचेर उड़ीसा, स्थान याद कर लीजिए और ये सब कुछ नहीं मतलब है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में। इफको इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है कि स्थापना कब हुई? 1967 में, है ना, खाद का निर्माण इसमें उर्वरकों का निर्माण करता है, करती है इफको। इफको की उत्तर प्रदेश में स्थापित इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं? तो एक फूलपुर में, एक आंवला में है। सर्वाधिक पावरलूम उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, नया आंकड़ा कोई अगर चेंज हुआ होगा, वैसा मुझे नहीं लगता, यही सही है। सीमेंट उर्वरक के स्थानीयकरण पर किस तत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो चूना पत्थर का उपयोग इसमें होता है ज़्यादा, तो स्थानीयकरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। स्थानीयकरण का मतलब होता है कहाँ लगाया जाए उद्योग, तो जहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारे प्लांट हैं इसके। समुद्री कवच की सहायता से सीमेंट का निर्माण, तो ये द्वारका में किया जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल, तो ये नेप्था है। प्राचीन भारत का प्राचीनतम उद्योग, तो उद्योग जो है ये सूती वस्त्र उद्योग है, प्राचीनतम उद्योग। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज की मिलें हैं, तो पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि इसमें श्रमिक जरूरी होते हैं, श्रमिक प्रधान उद्योग है। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने, देखिए प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में है। कागज निर्माण की कला का सबसे पहले विकास, तो ये चीन में हुआ था, चीनियों ने कागज का विकास किया था, आविष्कार किया था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज बनाया जाता है। होशंगाबाद, तो ये नोट छापने के कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन के कारण।
सन 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो समुद्री जैव शास्त्र पर शोध करना, यही इसका प्रमुख कार्य था। दक्षिण गंगोत्री के नाम से क्या जाना जाता है? तो भारत का जो अंटार्कटिक पर प्रथम शोध केंद्र था उसको हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा था मैत्री। मैत्री का उद्देश्य समुद्री जैवशास्त्र था इसका विषय। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है दक्षिण भारत के थुम्बा से। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो यह है होशंगाबाद में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। नीमच मध्य प्रदेश, झींक पानी तथा चाईवासा झारखंड में है ना। ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सिलचर सीमेंट उद्योग के लिए ये जाने जाते हैं। भारत किस प्रकार के उर्वरकों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटासी जो उर्वरक हैं ये भारत आयात करता है, उन्हीं पर निर्भरता है। कांच उद्योग का प्रमुख कच्चा माल तो ये रेत होता है। फिरोजाबाद की मुस्लिम जाति सीसगर किस उद्योग में काफी कांच उद्योग में सिर्गावलोकन कुशल है? तो कांच उद्योग में है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा कोई ये काफी कांच ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये कांच उद्योग में है, इसका नाम है सीसगर और ये फिरोजाबाद की मुस्लिम जाति है, ठीक है ना। अब प्रमुख उद्योग व केंद्र कुछ हम देखें, फटाफट देखते चले जाएंगे इसको। तो मोती नगर ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, ब्रजराज नगर उड़ीसा में, बिल मोरिया ये गुजरात में पड़ता है, कृष्णराज सागर ये कर्नाटक में है परिवहन उद्योग के लिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, इसको हटाना कोई जरूरी नहीं, परिवहन उद्योग के लिए यही है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये रांची में, मशीन और औजार ये पिंजौर में, एल्युमिनियम रेणकूट, उर्वरक सिंदरी, सिंदरी कहाँ है अभी हमने पढ़ा था, बिहार में है। परियोजना और कंपनी देखें तो जामनगर में बिजली संयंत्र ये गुजरात में है, एसआर पावर की है, नवीबगंज में बिजली संयंत्र बिहार में है भारतीय रेलवे की, कायाकुलम बिजली संयंत्र केरल में है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की। ऐसे ही बात करें कंपनी और प्रमुख केंद्रों की तो बालको ये कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में है, नालको ये दामन जोड़ी एक स्थान है उड़ीसा में, हिंडालको रेणकूट उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही एक स्थान है इंडालको, तो इंडालको जेके नगर पश्चिम बंगाल में, और उद्योगपुरी ये झारखंड में, और अलवाय ये केरल में, इतनी जगह पे है, ठीक है ना। इंडालको मालको ये चेन्नई मेटूर स्थान पड़ता है और सेलेम पड़ता है तमिलनाडु में, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख हस्तशिल्प केंद्र उनकी स्थिति तो मोन नागालैंड में है, नलवाड़ी असम में है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, और तूरा मेघालय में, ये हस्तशिल्प केंद्र हैं। उद्योग और उनकी स्थिति और देखें तो विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, मूरी एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ी, पनकी उर्वरक के लिए, और मैसूर जो है रेशम वस्त्र के लिए, जवाहरनगर पेट्रो रसायन, तालचेर ये उर्वरक के लिए है, ऋषिकेश औषधि निर्माण के लिए है। फिर से एक बार इसको रिवाइज में करा देता हूँ, पनकी उर्वरक, मैसूर रेशम वस्त्र, जवाहरनगर पेट्रो रसायन, तालचेर उर्वरक के लिए, ऐसे ऋषिकेश औषधि निर्माण, डीजल लोकोमोटिव ये क्या है वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन रायबरेली में, पहले इसके रिसीवर बनाए जाते थे वहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, तेल शोधन कार्य मथुरा में, सीमेंट उद्योग ये चुनार में, ऐसे एक मनकापुर पड़ता है वहाँ पे भी ये इंडियन टेलीफोन वाला जो सेंटर है वहाँ पर भी था, और आंवला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, मोदी नगर रबर के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक सामग्री के लिए। संस्थान व स्थान देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची, और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा। इस्पात केंद्र उनमें लौह अयस्क की आपूर्ति के क्षेत्र देख लें तो भद्रावती में केमानगुंडी से, भिलाई में राजहारा से, जमशेदपुर में गुरु महेशानी से, और कुल्टी आसनसोल में गुवा से। आण्विक संयंत्र उनके चालू होने का वर्ष तो कोटा वाला जो आण्विक संयंत्र है 1973 में, काकरापार वाला 1993 में, कैगा 2000 में, और कल्पक्कम 1984 में। तो इनमें से कोटा सबसे सीनियर है, सबसे पहले हुआ था यहाँ पर स्टार्ट। उन्हीं मिले हैं और उसमें संबंधित नगर तो उन्हीं मिले हैं, रेमंड वुलेंस ये थाने में है, बिन्नी लिमिटेड बंगलौर में है, और लाल इमली मिल्स ये कानपुर में है। ये सब बहुत मशहूर ब्रांड है।
इस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशनल भूगोल, भारत के भूगोल का टॉपिक था, वो समाप्त हुआ। ये 6 पार्ट में हमने कंप्लीट किया और इसका एक कम्बाइंड वीडियो लोग डिमांड कर रहे हैं, उसको हम दे देंगे और इसका PDF आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा और वेबसाइट पे आप डाउनलोड सेक्शन बनाया जा चुका है, वहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये अपनी वेबसाइट है upscTarget.com और यहाँ पे ये डाउनलोड सेगमेंट है। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डाउनलोड सेगमेंट, यहाँ पर एक दो दिन में इसको मैं मेंटेन करा रहा हूँ, एक दो दिन में आपको सारे जितने भी मटेरियल होंगे यहाँ पर, समय समय पर और भी मटेरियल सब मिलने लगेंगे। फिलहाल अगर आपको ये लेना है मटेरियल तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, IAS प्रेप का जो टेलीग्राम ग्रुप है, और बाकी सारी चीज़ें आप करते रहिए। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर भी स्टार्ट हो चुका है, तो करंट अफेयर्स भी यहाँ से आप पढ़ते रहिए। नोटिफिकेशन में भी देखिए करंट अफेयर इधर आता रहता है, देखिए ये सारा अप टू डेट रहता है, घंटे घंटे भर पर ये अपडेट किया जाता है। और जो होम पेज पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन में भी साइड में आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो ये बहुत रिच कर रहा हूँ मैं इस वेबसाइट को, और बाकी चीज़ें आप जाने कैसे आपको मैनेज करना है। देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में आ रहा है ना कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए ये, तो जो भी आप यहाँ से न्यूज़ क्लिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है, ये न्यूज़ हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो आप ये सब करते रहिए, कम्बाइंड वीडियो आज या कल आपको मिल जाएगा, आज रात तक मैं दे देता हूँ, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, वेबसाइट पे जाके आप बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।